बस एक बात की विराज, माँ के अलावा मेरा कोई हो नहीं सकता, माँ के अलावा मेरा कोई हो नहीं सकता। तीर्थराज प्रयाग में गंगा के अलावा मेरा कोई हो नहीं सकता। हर कलकल में व्याप्ती है भवानी मेरी, उनको छोड़ के यहाँ मेरा कोई हो नहीं सकता। प्रयागराज मेला प्राधिकरण मेला अधिकारी द्वारा जनहित में जारी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण मेले में आए सभी तीर्थ यात्री स्नानार्थी कृपया ध्यान दें, एक महिला है सुमन देवी। सुमन देवी उम्र है लगभग 55 वर्ष। महिला को दिखेगा ज्ञान, दिखेगा तप, दिखेगा तपश्चर्या, दिखेगी योगी, दिखेंगे महात्मा, दिखेंगे और सदगृह संत, दिखेंगे माताएं, दिखेंगी देवियां, दिखेंगी भगवान के भक्त, दिखेंगे सेवक, दिखेंगे श्रद्धावान, दिखेंगे यदि मैंने ना खोल पाए मुझे यहाँ धन दिखेगा, चैन दिखेगा, अंगूठी दिखेगा, गाड़ी दिखेगी, मिठाई दिखेगी, लड़की दिखेगी, बड़ा ये सब को छोड़ के बड़ा उस और बढ़ जाएगी जहाँ की विनाश की शुरुआत। सबसे बड़ी ये प्रार्थना है हम लोग यहाँ आए तो बस एक बात की विराज, माँ के अलावा मेरा कोई हो नहीं सकता, माँ के अलावा मेरा कोई हो नहीं सकता। तीर्थराज प्रयाग में गंगा के अलावा मेरा कोई हो नहीं सकता। हर कलकल में व्याप्ती है भवानी मेरी, उनको छोड़ के यहाँ मेरा कोई हो नहीं सकता। हर पल में हर क्षण में बस एक भाव मन में रहे, माई आपके अलावा मेरा कोई हो नहीं सकता। इसी भाव को रख करके हम सब माँ के स्वरूप ग्रहण करें, खूब श्रद्धा के साथ माँ को कोटशा प्रणाम करते रहे। चाहना हो महाराज कुल माँ को चाहिए, और मांगना हो उससे मांगिए महाराज, जिससे मांगने के बाद कुछ कामना पड़े। संत कहा करते हैं कि मांगना हो मांग ले त्रिपुरारी से, मांगना हो मांग ले, आप लोग बोलिए, मांगना हो मांग ले त्रिपुरारी से, मांगना हो मांग ले त्रिपुरारी से, मांगना हो मांग ले त्रिपुरारी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना है मांग ले त्रिपुरारी से, मांगना हो मांग ले त्रिपुरारी से, मांग ले त्रिपुरारी से, मांगना हो मांग ले त्रिपुरारी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से, की जय की जय। कई जगह मांगने की है जहाँ हम सबको मांगना चाहिए, और गली गली मांगने से हो नहीं सकता, और कभी जिंदगी इच्छाओं का अंत भी हो नहीं सकता। लोग बीमार व्यक्ति अटकता है हर चौराहे पर, और धन से कभी किसी का जीवन तृप्त हो नहीं सकता, इसलिए उसको छोड़ के ले लीजिए चाहे माई माई दे रही बिल्कुल आनंद से लीजिए, बस मन बन जाए कामी नारी प्यार जीव लोभी प्रीति विधाम तिमि रघुनाथ निरंतर। महाराज और कुछ चाहिए नहीं,
यहाँ भी आने के बाद यजमान बोल रहे हैं ये यजमान 500 रुपया ज्यादा देगा, तो 500 रुपया के लिए आपने इतना झूठ बोला। महाराज वसुंधरा का सत्य जो है सोचने लगा महाराज कि असत्य कहाँ तक जाएगा, धन के लिए कितनी बार असत्य के बाणों को चलाओगे, धन ही आपके जीवन का विनाश कर सकता है। बिल्कुल, धन अहंकार उत्पन्न कर सकता है, धन महाराज पाप के रास्ते पर आपको ले जाकर खड़ा कर सकता है, और धन आपके जीवन के पतन का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ तो एक ही चीज मांगो, माई की कृपा, और यहाँ अगर एक चीज सुहा बन जाए हमें आपसे कुछ मांगना नहीं है, जान लो महाराज यहाँ आने का काम पूरा हो। अगर यहाँ आने के बाद वो कपड़ा लगता ठीक ठाक पहने आदमी लगता कुछ पैसे वाला है, भैया आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, भंडारा कर रहे हैं, कुछ मदद करेंगे क्या? अरे आप चाहे कर सकते हैं, भगवान ने आप उस लायक बनाया है। अरे वाह, मैं जिनके जिनके यहाँ मांगने के लिए आया हूँ वो त्रैलोक के नहीं बना चौदह भुवन की स्वामिनी है, एक बार उनसे मांग के देखो। जब भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग आए, प्रमाण है इसका महाराज, प्रयाग में भरद्वाज जी के यहाँ पहुंचे भरत जी, तो महाराज पंडकुटिया में रहने वाले संघ के पास कुछ नहीं था, सोचा महाराज भरत जी आ रहे हैं, पूरी लाल लश्कर है, द्रोण स्मरण किया, सिद्धियों को बुलाया, आ जाइए, आज योगी से योगियों का सामना है, भक्त से भगवान का सामना है, कर दीजिए व्यवस्था ऐसी लोग देख के आश्चर्य रह जाएं। सारी सिद्धियां महाराज आकर के महाराज पूरा तीर्थराज प्रयाग को महाराज स्वर्ग बना दिया, जो लोग जहां से आए थे सब श्रम समृद्ध हो गए, स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए। तो यहाँ वो मिलता है जो कभी चुकता ही नहीं, लेके तो देखिए, लेकिन 500 रुपए के लिए दिमाग लगाए महाराज, चौराहे जय हो स्वामी जी की जय हो। बाबा कृपा थी आप लोग भी आ गए।